कलेक्ट्रेट में लगी लिफ्ट में अंदर बंद हुआ बुजुर्ग, लिफ्ट हुई बंद। कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगी लिफ्ट के अंदर एक बुजुर्ग फंस गया। गनीमत रही कि थोड़ी देर बाद ही उसे निकाल लिया गया। इस लिफ्ट में पूर्व अपर कलेक्टर श्री गोयल भी एक बार फंस चुके हैं, जिन्हें लिफ्ट का गेट तोड़कर निकाला गया। वहीं लिफ्ट ऑपरेट करने वालों का कहना है कि लिफ्ट में कोई खराबी नहीं है। अक्सर लोग लिफ्ट का गेट बंद होने से पहले ही बटन दबा देते हैं, जिससे लिफ्ट बीच में रुक जाती है। वहीं कई बार बिजली ना होने से भी ऐसे हालात बन जाते हैं। आपका नाम? संतोष शर्मा। कौन से अधिकारी के ड्राइवर हैं आप? एडीएम। पता है क्या हुआ अभी आपके साथ में लिफ्ट में? अब चलते में रुक गई है, सिक्का अपने कमाने में कहाँ रुक गई। रुक गई थी करीबन कितने कितनी देर तक आप अंदर थे? दो पाँच दो तीन मिनट रहे। दो पाँच सेकंड रहे। दो पाँच सेकंड और दो पाँच मिनट हो गए। अब गाड़ी थोड़ी इतनी अपन देख रहे हैं, अपन ये सोच रहे हैं जो खुले फटाक से। घबराहट हो रही थी? घबराहट भी हो रही थी आप? घबराहट तो नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोग इसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। लिफ्ट का डोर होने से पहले बटन दबा देते हैं अंदर, तो या फिर कोई पावर सप्लाई कट हो जाए तो उसका थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी लिफ्ट के हमने जो लिफ्ट के इंचार्ज होते हैं उन चेक कराए थे, तो लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अधिकारियों ने भी आगे चेक किया था। ऐसे टाइम पे अगर फट जाए तो क्या करना चाहिए अंदर व्यक्ति? वो उसको बताया थे, पहली बात तो घबराए नहीं बिल्कुल, ऊपर से कंट्रोल से पूरा उसका मैनुअली ऑपरेट करके उसको किसी भी फ्लोर पर लाके गेट से निकाल सकते हैं। यदि ऑटोमेटिक ना निकले तो हमारे पास चाबी दिया ऑपरेटर को, हमने उसके थ्रू भी चाबी खोल के हम गेट को खोल के निकाल सकते हैं।